लग रहा है राहुल गांधी से डरती है क्या बीजेपी? राहुल गांधी से मोदी डरते हैं, राहुल गांधी से मोदी डरते हैं, बताइए राहुल गांधी से डरते हैं? हो सकता है डरते होंगे। अच्छा, मोदी से चीन डरता है? हमारे मोदी जी से चीन डरता है साहब। चीन पे देखा है, अंदर घुसे आया जाके देख कर। आपको नॉलेज नहीं है, हम इतना बड़े से बीबीसी लंदन सुनते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने इतनी बड़ी बात बोली कि यहाँ पर राहुल गांधी से मोदी जी डरते हैं। जब ही तो उनकी वो कर दी थी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने करवाई है, आपको कैसे पता? अरे सब कुछ है। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता? अच्छा, सही हो रहा है सदस्य, मोदी सही नहीं, मोदी नहीं, जो है राहुल गांधी ठीक था। अच्छा, तो अभी राहुल गांधी कोशिशें तो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पहले ही कर चुके हैं। वो सब देखो, किसानों से मिल रहे हैं, गरीबों से उन्होंने मिला है, मोदी कहाँ जाता है? मोदी मेरे वोट के चक्कर में मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी मिलेंगे तो वोट के चक्कर में ये गरीब, इसमें देखो, इससे उस कांग्रेस की राज में क्या था, क्या गरीब को सही था, गरीब तो बंदा जो कमा रहा था वो बच रहा था, इस राज में कुछ नहीं बच रहा गरीब को लेकर। कहाँ जा रहा है सारा पैसा? क्या लगता है? सारा पैसा तो सब सरकार खा रही है। सरकार खा रही है सारा पैसा। अच्छे दिन आ गए क्या? बिल्कुल आ गए। क्या बुरा है? किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा है। आप सबकी अपनी अपनी राय है, ऐसे बुरा नहीं हो रहा है कुछ। लेकिन मेन मुद्दा है कि महंगाई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो इंक्रीमेंट भी तो हुई है, लोग की महंगाई है तो इनकम भी तो बढ़ी है। ऐसा तो गरीब आज भी रोड पे ही सो रहा है, कल भी रोड पे ही सो रहा था, 9 साल पहले भी वही हालात थे। ऐसा नहीं है, पहले से चेंज हुआ है। अब कोई भी चीज थोड़ा टाइम लगता है ना, चेंज होने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, तो और टाइम देंगे अभी मोदी जी को? ठीक है, मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ नहीं, ठीक है, वोट तो डालने जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं मोदी को वोट नहीं, मैं भाजपा को वोट देता हूँ। भाजपा को वोट देंगे तो भाजपा को मौका देंगे एक बार? बिल्कुल देंगे। क्या कहेंगे, सरकार ने अच्छा काम किया है क्या? किस रिगार्डिंग? मोदी सरकार ने काम अच्छा किया है, अच्छे दिन की बात की थी सरकार ने। ठीक ही है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अच्छा, युवा बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पे, लगता है? मैं तो नहीं हूँ। हाँ, आप नहीं हो ना, फिर भी बदनाम किया जा रहा है युवाओं को, बताइए क्या लगता है? तो क्या लग रहा है कि 24 में सरकार में बदलाव होगा? क्या करते हैं आप ये बताइए पहले। नॉर्मल जॉब है। नॉर्मल जॉब है, तो राजनीति के बारे में पता है थोड़ा बहुत? नहीं। अच्छा, कुछ नहीं पता। देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो आ रहे हैं क्या अगले साल भी? लग तो रहा है। अच्छा, लग रहा है। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं बनेंगे? मीम में तो उन्हें बर्बाद कर रखा है। अच्छा, मीम ने बदनाम कर रखा है, कहते हैं मीम भी बीजेपी बनवाती है। देखे तो है मैंने। हाँ। वैसे तो कांग्रेस ने भी बनवाए हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी के भी देखे हैं। अच्छा। सबके देखे हैं मीम। इंस्टाग्राम बहुत चलाते हो? बहुत। हाँ, बहुत चलाते हो। अच्छा, मन की बात बताते हैं मोदी जी अपनी? नहीं जी, उन्होंने किसी को मन की बात नहीं बताई, नहीं बताई, बिल्कुल नहीं बताई। आज 9 साल हो गए उनको राज करते हुए। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, पर देश में क्या हुआ? सबका साथ जरूर मिला उन्हें मिला, पर उन्होंने सबके साथ महंगाई का विकास किया। उसके बाद इनके, ये दिल्ली शहर में रह रहे हैं, दिल्ली शहर में रह रहे हैं, गांव के अंदर नहीं रहते। आज भी जाइए, 90% गांव, 90% गांव किस हालात में जी रहे हैं, क्या है, कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है, ये 2-4 दिन में आपने देखा होगा। ये जो जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह मोदी जी की गलती थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, हमने विकास किया है, इससे बड़ा विकास क्या देखेंगे हम? कह रहे कांग्रेस का समय अच्छा था। आप मैडम जी, कांग्रेस का समय 70 साल से था। 70 साल से अगर ना बनाया होता तो आप और हम यहाँ नहीं खड़े होते। मेरा यही कहना है, मेरा यही कहना है मैडम। पूछने के बाद इनके पास पूछो। आप ये बताओ ना, उनका क्या मतलब है बोलने का? वो प्रधानमंत्री है क्या? पार्लियामेंट का मेंबर है क्या वो? है, अरे जो मेरे साथ बीतेगी मैं बताऊंगा। बात ऐसी है मैम, जिंदगी के अंदर हमने एक बात देखी कि राजनीति से बड़ा बेईमान इंसान कोई नहीं है। हाँ। और राजनीति में जितने भी बेईमान हैं वो सब आपकी आंखों के सामने हैं। आज देश की राजधानी में क्या हालात है आप खुद देख रहे हो। यही केजरीवाल जी कहते थे कि साहब हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। हाँ। और आज दिल्ली आपके सामने क्या बनी हुई है सब देख रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा। हाँ। सब देख रहे हैं। अच्छे दिन आ गए सरकार। वैसे तो मेरा ये मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए, और 10 साल इनको मैंने देख चुके हैं हम लोग। हाँ। एक बार जो हमें नीतीश कुमार को देखना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार को मौका देना? बिल्कुल, पूरे विपक्ष आएगा। मतलब अभी जो है आपका एक लीडर यदि कहा जाए अपोजिशन में, तो पहला लीडर है नीतीश कुमार। हाँ। जो जिसे सुशासन बाबू कहा जाता है। हाँ। आप जब से बिहार में आए हैं
किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हुआ है और वे सबको लेके चलना जानते हैं। अपने वादे पूरे नहीं किए क्या सरकार ने? नहीं, 10 साल हो गया ना। परिवर्तन होनी चाहिए। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। एक बार जो नीतीश कुमार को अवसर देना चाहिए और वो एक अच्छे लीडर हैं और मुझे लग रहा है कि वो सबको लेके जो है देश को एक नई दिशा देंगे। बिल्कुल। मैं भी बिहार का हूँ। नीतीश कुमार ऐसा भाई साहब बोले उन पर जवाब दे रहे हैं, कभी इधर होते कभी इधर होते, ऐसे नेता को हम कहा आते देखे भी नहीं किए। मैं भी गया जिला का बिहार के रहने वाला हूँ, कभी कांग्रेस में जाएगा तो कभी जनता दल में जाएगा, कभी जनता यूनियन में आएगा, ऐसा क्यों सवाल है भाई नीतीश कुमार के? ऐसा क्यों सवाल है कभी? अपनी छवि अपनी खराब कर ली नीतीश कुमार ने जी। पहले नीतीश कुमार की बात हो गई, ये बताइए मोदी जी की छवि का क्या? मोदी जी अच्छे हैं जी, हमारे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। क्या काम किया देखिए, यहाँ पर लोग कैसे चिल्ला रहे हैं मोदी जी ने लूट लिया। सबके अपने राय होते हैं, कहते लूट लिया उन्होंने, क्या किसको किसने लूट नहीं लूटा है? आज मोदी जी 9 साल से हो रहे, पहले तो 74 साल से वही रह रहे हैं। पहले खा रहे थे और खिला भी रहे थे। ऐसा नहीं है, पहले खा ही रहे थे, खिला किसी को नहीं रहते। अच्छा। ठीक अब है? खा रहे अच्छे से, पेट भर रहा है। अब सबके पेट भरे, सब मेहनत है, खुशहाली है, सब काम कर रहे हैं। अच्छा। काम करने वाले के लिए काम कमी नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं कि जो अपने काम करने उसके लिए कमी बहुत है। लेकिन कहते हैं वादे पूरे नहीं किए सरकार, किसने क्या चीज बेरोजगार घूम रहे? कौन बेरोजगार? हम तो बेरोजगार नहीं घूम रहे, और कोई नहीं घूम रहे हैं। मेहनत करने वाले कोई बेरोजगार नहीं होता मैम। बिल्कुल, युवा बेरोजगार घूम रहा है। अच्छा, बिल्कुल, क्या कहेंगे इस बात पे? मोदी बढ़िया आदमी है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, बाहर छवि अच्छी रही है, जो देश के अंदर भी छवि अच्छी है। अच्छा, कहाँ देखते छवि अच्छी है? छवि सर और देशों में भी छवि अच्छी है, यहाँ भी अच्छी है, जो विकास काम हो रहा है, जो 70 साल में टीवी बिक चुका है, कोई बिकना, जब सोना गिरवी रख गया था वो आज तो गिरवी नहीं है, जो जब सोना गिरवी में था जब कोई नहीं बोल रहा था, आज देश विकास कर रहा है तो हर आदमी बोल रहा है। अच्छा, जनता बोलने से डरती है मोदी जी के खिलाफ? क्यों बोलेगी? साथी छोड़ के बोलेगा आदमी के मोदी विकास कर रहा है? अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि महंगाई से भी जनता? महंगाई कोई नहीं है, महंगाई पहले से भी है, महंगाई आज भी है, पहले भी थी, महंगाई कभी कम नहीं हुई, कभी नहीं कम हुई, कभी कम नहीं हुई। अच्छा, देश का विकास हो रहा है? देश का विकास हो रहा है, बाहर भी छवि अच्छी हो रही है, छवि अच्छी हो रही है। कहते अपने वादों पे नहीं टिके मोदी जी, पूरे कर रहे हैं आस्ते आस्ते सारा विकास, ऐसा ऐसा हो जाए, सारे आस्ते हो रहे हैं। मोदी जी से खुश है क्या अंकल? हाँ, खुश है मैडम। अच्छा, क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? वो तो सारी दुनिया ही देख रही कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। क्या, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या कर दिया, क्योंकि लोग यही कहते हैं अच्छे काम किए, गिनवाता कोई नहीं है। गिनाता तो जो कांग्रेस सरकार है 70 साल में राम मंदिर नहीं बनाया, मोदी ने बनवाया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। किसी का भी था बनवाया तो मोदी के राज में बनाया ना। अच्छा, 3 तलाक, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, जो पेशेंट है हॉस्पिटल में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे इलाज कराने के लिए, मंदिर में जाएंगे पढ़ने के लिए, ये सब विकास की सही जो पैमाना है समझ नहीं रहे, देश कहाँ जा रहे है समझ नहीं रहे जी। बताइए, सही सवाल खड़ा किया उन्होंने, लोग बच्चे पढ़ने जाएंगे स्कूलों में ना कि मंदिर में, बताइए मंदिर का विकास करके क्या कर दिया? नहीं, मंदिर का विकास करके मैडम एजुकेशन तो महंगी हो रही है ये हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी ने अच्छे काम, मोदी ने जो जितने भी काम किए सही किए हैं, आगे भी कितने देशों से टैक्स लगता जा रहा है, जीएसटी से परेशान है जनता। तो मैडम ये तो जो भी नेता है वो सब परेशानी है, सब में ऐसे ही है, यही हाल है सबका। राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी लगता है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं डरी नहीं, तो फिर यहाँ पर सदस्यता रद्द हो गई उसको लेकर बार बार कांग्रेस बीजेपी पर? नहीं नहीं मैडम, मैं इतने ज्यादा तो मैं पॉलिटिक्स जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही पता है कि मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। जॉब सही चल रही है आपकी? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिला सुरक्षा है, विमेन सेफ्टी? नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज एज विमेन, अभी जैसे अभी 5:30 हुए एंड वी आर रशिंग कि हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है हमारे पीजीज में, बिकॉज वी आर अनसेफ, सो वी आर द प्राइम एग्जाम्पल। तो ऐसा लगता है कि अभी लाइक आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना जी, तो जॉब करेंगे तो लग रहा है, उम्मीद है कि जॉब मिल जाएगी आसानी से? नहीं नहीं लग रहा। अच्छा, तो उम्मीद नहीं है। कहाँ रहते हैं वैसे आप, फैमिली कहाँ रहती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो मुद्दे चल रहे हैं, पता है अजीत पवार का मुद्दा पता है? सॉरी, आई एम नॉट अपडेटेड। और उद्धव ठाकरे को जानते हैं? जी जानते हैं। तो कैसे नेता थे वो?
राइट विंग। अच्छा राइट विंग, हाँ बिल्कुल। आप बताइए क्या होता है? परेशान लग रहे आप। धूप ही देखो इतने, धूप कहाँ है धूप, गर्मी देखो ना कितनी हो रही है। तो अब गर्मी में भी किसकी गलती निकालेंगे फिर? कुछ लेना देना नहीं हमको। अच्छा, कुछ भी करे तो इसमें वोट डालेंगे? डालेंगे ना। हाँ, किस मुद्दे पे डालेंगे? विकास के मुद्दे पे डालेंगे। विकास हुआ है देश? विकास तो हो रहा है। हाँ, कैसे हो रहा है? दिख नहीं रहा लोगों को, हाथ पे आंखों पे हाथ रख के बैठे। जिनको जिनके पास पैसा नहीं उसको नहीं दिखेगा, जिसके पास पैसा है उसको दिखेगा सब कुछ। पैसा है मतलब है। हाँ, लेकिन जो लोग कह रहे कि विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं है, तो फिर रोजगार नहीं तभी तो पैसा नहीं है। जिनको काम नहीं ना, हाँ, काम करने की इच्छा नहीं उनको काम नहीं ना, जिनको इच्छा करने की उनको सब नौकरी ढूंढने जाते हैं लेकिन अपने लोगों को रख लेते हैं। वैसे नहीं होता। अच्छा, जिनके पास काम करने की इच्छा है उनको जॉब मिल जाता है। अच्छा, उनको जॉब मिल जाता है। हमारे पास मुझे नहीं मिलती है जॉब, बताइए। अपने लोगों को रखते हैं जॉब पे, आपको ढूंढना पड़ेगा फिर, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या लगता है अच्छे दिन आ गए? नहीं, अभी कहाँ अच्छे दिन, अभी नहीं तो है। ऐसे ही हाँ, परेशान क्या है। मेहनत हाँ। क्या लगता है फिर बदलाव करेंगे 24 में? 24 में वो देखो तो किस्मत के ऊपर बात, पढ़ाई हाँ। करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे नहीं। सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से करना, हमें करना जो करना है। हाँ, सब हमें ही करना है, बताइए। फिर भी सरकार में बदलाव की बात करते हैं। सरकार हाँ? के मुझे नहीं पता सरकार हाँ। के बारे में। तो देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कौन? वाइस प्रेसिडेंट हो। वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। चलिए, ये तो राजनीति से अलग है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है।